अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह उठा हूँ और ये देखो मैंने आज घर जाना, मैंने कपड़े अपने उतारे और मैंने कहा इसकी पैकिंग वगैरह कर ले, तो बीन भाई सोए हुए हैं। अब गैरत मेरा यार उठ के आ गया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी जाना, मैंने कहा पहले कपड़े वगैरह निकाल लिए, तो मैंने देखा तो सूट पड़ा था, मैंने सूट निकाला। उसके बाद मैं रेडी हो के आ गया तैयार, के अब बाल वगैरह कंघी करनी थी। 7 बजे रूम में कंघा पड़ा था, वो उठाया, मैंने कहा दाढ़ी पहले सेट कर लें फिर बाल। दाढ़ी कंघी करने के बाद मैंने कहा बाल सेट कर लिए, फिर मैंने अपने पॉकेट में से तस्बीह निकाली, तस्बीह निकाल कर मैंने कहा रुमाल निकाल लिए। देखा तो मीन भाई अभी तक सोए हुए थे, तो यहाँ से मैंने कहा चलो पेंसिल निकाल लें, तो यूनिवर्सिटी जाना है, तो पेन मैंने शूज़ वगैरह पहनने के बाद मैं अच्छा देखा तो रूम खाली था, शेर भाई नहा रहा, मैंने जाने लगा था, तो मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ तैयारी कैसी हुई। तो उसके बाद मैं उतरने लगा, मैं याद है बीन भाई सोए, मैंने कहा लाइट बंद कर लूँ। तो उसके बाद मैं नीचे उतरा, तो नीचे मैंने देखा कि शेर भाई का आगे मैंने देखा कि बाइक खड़ा है। एक तो दो सीढ़ियों ऊपर नीचे आना पड़ता है, तो नीचे बाहर मौसम माशाल्लाह प्यारा था, तो मैंने कहा पहले सामने देखा तो राइट बैंक थी, मैंने कहा यहाँ ATM से पैसे निकलवा लें। ATM के अंदर मैं चला गया, ATM के अंदर जाने के बाद मैंने कार्ड डाला ATM मशीन में, तो उसके बाद फिर मैंने ATM में देखा, मैंने पैसे लिखे क्योंकि मेरे कार्ड में 1500 रुपये ही था, तो कार्ड खाली था पकाया और ये कार्ड बाहर आने लगा है, तो इसके बाद अब पैसे आएंगे और जी पैसे भी बाहर आ गए हैं 1500 रुपये। चलो जी अब चलो अभी मैंने कहा अब चलते हैं यूनिवर्सिटी, जो ये हमारे एलाइड बैंक है ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ही है। तो ये देखा आपको मैं यूनिवर्सिटी का दिखाता हूँ, तो गर्मी इतनी नहीं पसीना मुझे आ रहा था नहा के, तो ये देख रही यूनिवर्सिटी, मैंने कहा चलो जूम करके दिखा देते हैं। तो इसके बाद ये साथ कंकोड़िया कॉलेज है, तो यहाँ से एंटर हुआ तो सामने तो बैठे हुए थे, मैंने कहा पूछा ब्लॉग में करते पीछे, मैंने देखा सामने हमारी मस्जिद है, तो मैंने कहा पहले नमाज पढ़ ले, तो नमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर निकला तो भाई खड़े थे आशिक मजाज लोग, सही है यार मेरा चेक कर, ये हमारी छोटी दुनिया यहाँ से निकलने के बाद हम ऊपर गए, क्योंकि हमारा लेक्चर ऊपर होना था रूम में, तो ऊपर रूम में सामने देखा तो सामने दोस्त वगैरह खड़े थे, तो ये मेरा यार है तो ढूंढ आ गया। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का शेर भाई व्यू ले रहे थे, तो यूनिवर्सिटी का व्यू लेने के बाद क्लास लेने के बाद वापसी जा रहे हैं, तो पहले मैंने कहा डिसेंट बेकरी से बर्फ़ी ले लें घर वालों के लिए, तो मैं और शेर भाई सीधा बेकरी पर आ गए। तो बेकरी पे अंदर जाके देखा तो मैंने कहा चलो बर्फ़ी ले ली है, बर्फ़ी लेने के बाद उसके बाद मैंने कहा अब चलते हैं जाकर, मेरे बैग में पहले ही पैक कराया था, मैंने कहा बिस्तर वगैरह इकट्ठा कर दें, पहले मैंने अपना बिस्तर इकट्ठा किया, फिर बाद में मैंने देखा अदील भाई को कल चला गया था इसलिए उसका, मैंने कहा बिस्तर वगैरह इकट्ठा कर दें, तो फोल्ड करके रख दिया। तो उसके बाद मैंने कहा ताला वगैरह उठा लें, तो ताला उठा लिया, बैग पहना, शूज़ पहने, और उसके बाद मैंने रूम की लाइट ऑफ की और रूम लॉक कर दिया। तो सामने मैंने देखा कि जैन भाई भी लेटे हुए थे, बीन भाई भी लेटे हुए थे, तो मैंने इन्हें कहा अल्लाह हाफिज़, मैं जाने लगा हूँ घर। तो उसके बाद मैं घर के लिए निकल आया, तो उसके बाद मैंने रिक्शे पर बैठा, रिक्शे पर बैठ कर तो मैंने अड्डे में जाना था, अड्डे में
जाने के बाद वहाँ से बस लेनी थी, वहाँ देखा तो हाई रूप खड़ी थी, वहाँ उसकी टिकट ली, तो टिकट लेकर तो उसके बाद मैं उसमें बैठ गया। मैंने पहले कुछ खाने के लिए, मैंने कहा ज़रूरत है तो पहले मैं खाने के लिए ले आया, मैंने वहाँ पर बैठ कर ही खाना शुरू कर दिया क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था। उसके बाद तेरी हम पहुँच गए अपने स्टाफ पर, आज का व्लॉग यहीं एंड होता है।